वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक एवेंट्स पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Mi A3 के बारे में, जो कि Xiaomi ने आज से अराउंड 7 महीने पहले लॉन्च किया था 23 अगस्त 2019 को। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि क्या 7 महीने बाद भी आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं, बिकॉज ये जो फ़ोन है वो उस टाइम के मतलब 7 महीने पहले के बाकी फ़ोन और अभी के भी जो बाकी फ़ोन हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा स्पेशल है। तो इसकी क्या जो स्पेशलिटी है वो आज भी वर्थ इट है या नहीं, वो सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसके दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, एक है 4GB RAM 64GB स्टोरेज का जिसकी प्राइस है 12,000 रुपये, और दूसरा है 6GB RAM 128GB स्टोरेज का, उसकी प्राइस है 15,000 रुपये। बाकी अगर इसके बॉक्स कॉन्टेंट की बात करूँ तो आप वो शुरुआत में अनबॉक्सिंग देख चुके हो। इसके बॉक्स के अंदर आपको एक नॉर्मल केस मिलेगा, एक 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। हालांकि ये फ़ोन 18 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 वॉट का चार्जर मिलेगा, 18 वॉट का चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपको एक USB A to USB Type-C केबल देखने को मिलती है। तो बस यही सब चीज़ें और बाकी कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह नॉर्मल पेपर वर्क मिलता है। तो बस इतनी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं, और हाँ ऑब्वियसली आपको फ़ोन भी बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो यस, इसके बाद अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर। और हाँ डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है वो आज के डेट के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड ज़रूर है, इससे लेटेस्ट और बेहतर प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्नैपड्रैगन 665 एक खराब प्रोसेसर है, ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। और जो नॉर्मल काम होते हैं ना हमारे, मतलब दो चार ऐप्स हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, या फिर थोड़ी बहुत अगर आप गेमिंग भी कर लेते हो, पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम भी बड़े आसानी से ये मैनेज कर लेगा प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा सा आउटडेटेड प्रोसेसर है, लेकिन आज की डेट के हिसाब से भी बढ़िया प्रोसेसर है। इसके बाद अगर बात करें इसके कैमराज की, तो बैक साइड में आप देख सकते हो 3 कैमराज हैं। मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि ये डॉट नॉच वाले डिजाइन के साथ में आता है। तो यस, कैमरा भी देखो, हाँ डेफिनेटली इससे बेहतर 64 या 108 मेगापिक्सल वाले कैमराज अभी हम देख सकते हैं फोन्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 48 मेगापिक्सल खराब है। अगर एक नॉर्मल यूजर के सामने मैं 2 फोटो रख दूँ, एक 48 मेगापिक्सल की और एक 64 मेगापिक्सल की, मुझे नहीं लगता वो कितना भी जूम इन कर ले वो ये बता पाएगा कि कौन सी कितने मेगापिक्सल की फ़ोटो है। तो इसके लिए कैमरा भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, मेगापिक्सल काउंट ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में ही कहा था। और बाकी अगर इसके कलर्स वगैरह की बात करो, तो उसके तो आप सैंपल अभी स्क्रीन पे ही देख सकते हो कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि इसका कैमरा कैसा है। मेरे हिसाब से तो इसका कैमरा ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया काम कर देता है इस प्राइस के लिए। इसके बाद अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, जो कि इस फ़ोन की सबसे कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो यस, तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। इस फ़ोन में आपको मिलता है एक AMOLED पैनल जिसका रिजोल्यूशन है 720x1560p, और इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो है 60Hz। और वही जो आजकल के नॉर्मल मिड रेंज फ़ोन होते हैं उनमें कॉमनली जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है वो होता है एक IPS LCD पैनल, रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है 1080p, और रिफ्रेश रेट अभी रिसेंटली कुछ फ़ोन लॉन्च हुए हैं जिसमें 90 और 120 हर्ट्ज़ का भी रिफ्रेश रेट मिला है। तो डेफिनेटली आगे भी जो बाकी कंपनीज हैं वो ये हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देंगी। तो अभी मैं आपको क्लियरली सीधा सीधा बता देता हूँ कि एक पैनल जो होता है AMOLED पैनल या IPS LCD पैनल, वो आपकी स्क्रीन के कलर्स को डिसाइड करता है। और डेफिनेटली जो AMOLED पैनल है वो एक IPS LCD पैनल से ज़्यादा बेहतर है। तो इसके कलर्स तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डीप और डार्क और एकदम बहुत ही कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी बढ़िया है, और जो रिजोल्यूशन है वो डिसाइड करता है कि इसकी शार्पनेस कैसी होगी। और वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे 1080p ज़्यादा बेहतर है 720p से। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन में शार्पनेस में थोड़ी सी आपको कम शार्पनेस देखने को मिलती है, लेकिन एक स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप 720p वाला या 1080p वाला या फिर 1440p वाला या उससे बड़ा कोई डिस्प्ले लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 720p से नीचे हो तो फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एक इंसान की आँख, एक 720p वाला हो या 1080p वाला डिस्प्ले हो, वो एक एक पिक्सल को कितना भी हम घूर के देख लें हमें नहीं दिखेगा। लेकिन आप 480p वाला रिजोल्यूशन है तो डेफिनेटली हम एक एक पिक्सल को बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप फ़र्क पता ही नहीं कर पाओगे, अगर आप एक एक पिक्सल यहाँ पे देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसकी शार्पनेस डिसेंट क्वालिटी की है।
तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता 720p या 1080p से कोई फर्क पड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है रिफ्रेश रेट की, तो वो डिसाइड करता है कि आपके फोन की स्क्रीन की स्मूथनेस कितनी होगी, मतलब जब भी आप कुछ स्क्रॉल करोगे या स्लाइड वगैरह करोगे तो कितना स्मूथली वो होगा। तो जो 60Hz है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम स्मूथनेस देगा और 90 और 120Hz में ज़्यादा स्मूथनेस होगी। लेकिन ये जो ट्रेंड है, जब ये फोन आया था उस टाइम पे नहीं था, अभी भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है मिड रेंज फोन में। तो यस, डिस्प्ले में अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इसके कलर्स ज़्यादा बेहतर है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा सा कम है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और जो रिफ्रेश रेट है वहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में ये कहना मुश्किल है कि ये आज के ट्रेंड के हिसाब से अच्छा डिस्प्ले है या नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है जैसे कि आपने देखा। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप डिसाइड करो कि आपको एक नॉर्मल जो आजकल के स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले मिल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यस, इसके बाद अगर बात करें बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें इस फ़ोन की, वो तो इसमें आपको पीछे की तरफ ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम की फ्रेम है तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी, फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास है, इवन यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है इसकी। इसके अलावा इसमें आपको डॉट नॉच वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इसमें आपको ऊपर की तरफ एक IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, तो आप इस फ़ोन को एक रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो अपने TV या AC या बाकी कंपोनेंट्स के लिए। और इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप इसमें दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये फ़ोन अच्छा है। आपने देखा होगा मैंने हर कैटेगरी में यही कहा है कि इस फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी है लेकिन लेटेस्ट नहीं है, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे कैमरा में इसमें 48 मेगापिक्सल है लेकिन इससे बेहतर 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल अवेलेबल है। स्क्रीन में भी इसमें सिर्फ 60Hz का डिस्प्ले लेकिन 90 और 120Hz का डिस्प्ले अवेलेबल है। तो हर एक कैटेगरी में मैंने ऐसा ही आपको जवाब दिया है। तो आपको एक सवाल ज़रूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमें सेम प्राइस पे इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मिल रही है तो फिर हम ये फ़ोन क्यों खरीदें। तो देखो, इसका इकलौता रीज़न है एंड्रॉयड वन प्रोग्राम। अगर आप में से किसी लोगों को नहीं पता कि एंड्रॉयड वन क्या होता है, तो इसमें आपको कोई भी Xiaomi का MIUI, Realme का Realme OS, Samsung का One UI, जो भी ऐसे कस्टम स्किन्स होते हैं कंपनी के, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, डायरेक्टली गूगल का एकदम स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल की हुई नहीं, ना कोई एड्स है, एकदम क्लीन UI आपको देखने को मिलेगा। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ये वाले फ़ोन में ज़्यादा जल्दी आएंगे बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट इस फोन में नहीं मिला है, एंड्रॉयड 9 पे ही चल रहा है ये फ़ोन, और कब आएगा एंड्रॉयड 10 का अपडेट वो भी मुझे नहीं पता, कंपनी ने नहीं बताया। तो यार एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम है यार, इसमें अगर आप अपडेट जल्दी नहीं दोगे तो बाकी में कहाँ से दोगे। तो एनीवेज, जो भी है, स्टॉक एंड्रॉयड इस फोन की सबसे मेन हाईलाइट है। और लास्ट में मैं कंक्लूड करने के लिए यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जो कि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड लेके आता हो, एकदम मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट कैमराज, एकदम मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, तो आप ये फ़ोन मत खरीदो, बिकॉज जैसे मैंने कहा 7 महीने पुराना फ़ोन है ये। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो कि स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, उनके लिए प्रैक्टिकल जो यूजेज और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है, तो डेफिनेटली आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड के फ़ैन हो तो भी आप ये फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 20,000 रुपये के नीचे कोई और फ़ोन ऐसा है ही नहीं जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम देखने को मिलता हो। हाँ, कुछ फ़ोन्स हैं नोकिया वगैरह के, लेकिन उनसे तो डेफिनेटली ये फ़ोन कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो यस, मिड रेंज कैटेगरी में ये इकलौता ऐसा फ़ोन, अच्छा फ़ोन है जिसमें आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम देखने को मिलता है। शायद 20,000 के ऊपर भी बहुत कम ऐसे फ़ोन है, रेयरली कोई फ़ोन होंगे जिसमें आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम मिलेगा, तो यही इस फ़ोन की सबसे मेन हाईलाइट है। तो यस, मी A3 बढ़िया फ़ोन है स्टॉक एंड्रॉयड फैंस के लिए, लेकिन अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। बाकी बस आज के वीडियो के लिए यही था, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में, क्या आज की डेट में भी ये खरीदने लायक है या नहीं, मैं आपके ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ आपको पता है कर दो सब कुछ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, ट्विटर पे भी कर लेना, ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम। मैं मिलता हूँ आप सबको मेरे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।